यूं तो हिंदुस्तान की पहचान तीन चीजों से होती है, गंगा, महात्मा गांधी और भारतीय सिनेमा। आज हम ऐसे शख्स की आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में भारतीय सिनेमा में कदम रखा और अपने शहर का नाम रोशन करा। जी हाँ, जिक्र होने वाले शख्स का नाम है अनिल शर्मा। अनिल जी, स्वागत है आपका टीवी 30 के खास प्रोग्राम जी सामने में। नमस्कार जी। अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी शैक्षिक योग्यता के बारे में। जी, मेरी शैक्षिक योग्यता, मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी और ग्रेजुएशन मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। आपने सिनेमा जगत की दुनिया में काम कर रहे हैं, आपने इसके रिलेटेड कोई डिप्लोमा या कोई पढ़ाई ऐसी करी इसमें जाने के लिए? हाँ जी, मैंने डिप्लोमा किया अपने मथुरा में, एक एकेडमी है, रेनफोर्स एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बैनर तले पहली मूवी बनी है मेरी, ब्लड रिलेशन। तो मैंने उसमें नेगेटिव इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले किया और उसके डायरेक्टर थे श्री संजीव कुमार राजपूत जी, वो भी अपने मथुरा से ही हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया और उन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ। अनिल जी, यूँ तो छात्र जीवन काफ़ी मज़ेदार होता है, लेकिन छात्र से लेकर और एक सिनेमा कलाकार तक का रोल आपने कैसे लिया? ये छात्र जीवन और सिनेमा कलाकार का बहुत बड़ा डिस्टेंस भी माना जाता है, क्योंकि छात्र जीवन जो होता है वो एक अपने आप पे पर्टिकुलर डिपेंड होता है, और ये सिनेमा कलाकार का बहुत मानने को तो इसको बहुत बड़ा मानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो सीखा स्टूडेंट से लेके लाइफ और यहाँ तक मैं आया, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, स्ट्रगल भी किया मैंने, बहुत कुछ देखा और कर रहा हूँ धीमे धीमे। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि अच्छा वर्क मिल रहा है, अच्छे काम कर रहा हूँ। अनिल जी, जैसा देखा जाता है छोटे शहरों में कि माता पिता जिस काम को आप कर रहे हैं वो उसके मना करते हैं, जैसे सरकारी नौकरी या कोई ऐसा अपने बिजनेस करना, तो क्या आपके माता पिता ने इसके लिए आपका सब साथ दिया? जी देखिए, माता पिता की तो बात ये होती है कि माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चा कोई भी हो, या सरकारी जॉब हो या एनीबॉडी कोई अपना बिजनेस हो, वो कुछ भी करे, बट करे ऐसा कि सब लोग उसको देखें कि ये उनका बच्चा है। तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और कभी टाइम पे बोल देते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, ये वो, क्योंकि कंडीशन बनती है, वो अलग बात है। बट वैसे मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई और मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, ऑल, छोटा भाई, सिस्टर, सब बहुत मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं। अनिल जी, आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको सिने जगत की दुनिया में काम करना चाहिए, और इसके लिए आपको अपने प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इससे पहले आपने जो सवाल किया था कि छात्र लाइफ से लेके आज ये करियर तक, मतलब जो भी है, मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस टाइम में स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरा एक फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये प्रेरणा दी कि उसके टच में थे मेरे ये संजीव राजपूत जी, तो ये अपनी मूवी बनाने वाले थे, उनको कुछ ऐसे आर्टिस्ट की ज़रूरत थी जिसके जो कैरेक्टर उनको चाहिए था वो कहीं उन्हें मिल नहीं रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि आप जो है एक बार वहाँ जाके देखो, अगर आपको कुछ हो जाए तो। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं उधर गया तो मेरा फ्रेंड जो है मेरा इस लाइन का प्रेरक रहा है, जो भी उसने मुझे यहाँ तक लाया, फिर उसके बाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म तक यहाँ तक पहुँचाया, मुझे ब्रेक दिया संजीव कुमार राजपूत जी ने, जो आजकल बहुत अच्छी मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं और अभी रिसेंटली उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। अनिल जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिने जगत में स्टलिंग के दौरान आपको उस पर हाथ लगी हो? जी देखिए, ऐसा तो होता रहता है कि कोई भी अगर वर्क करें तो कुछ मिलता है, असफलताएँ भी होती हैं और सफलताएँ भी होती हैं, तो मैंने कभी इसको माइंड ही नहीं लिया कि असफलता है, मैं फोकस रहा कि मैं मुझे सफल होना है। उस टाइम आपके अपनों ने क्या आपको इस लाइन से हटने की बात कही? जी वो चलता है कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बट हम लोगों को भटकना नहीं चाहिए। मेरे दिमाग में था कि मुझे ये करना है, तो मैं आज तक उस पर चल रहा हूँ। अनिल जी, अधिकतर सुनने में आता है सिनेमा जगत में कि कास्टिंग के दौरान जो नए लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है, क्या आप भी इस दौर से गुजरे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है, ये समाज है,
और बोलने वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। बस ये इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस है, इसमें जो बंदे आते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसमें कुछ बंदे गलत भी हैं जो उन बंदों का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इसमें कोई शोषण नहीं होता कास्टिंग के थ्रू। और बहुत कदम जो है बहुत देख के चलना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा कोई भी नया आर्टिस्ट आए तो। अनिल जी, अभी आप हमें किस टीवी पे मूवी में देखने को मिल रहे हैं और उसमें आपका क्या अभिनय है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो है अभी प्रोजेक्ट मेरे तीन आने वाले हैं, तीनों मूवियाँ हैं मेरी। सबसे पहली अभी 11 अगस्त को आने वाली है टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसमें मैंने अक्षय कुमार जी के साथ वर्क किया है। अक्षय कुमार जी हैं, अनुपम खेर जी हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मुझे उनके साथ वर्क करके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरी मूवी आएगी ब्लैक इश्क, जिसमें अपने कृष्णा चतुर्वेदी जी हैं जो लीड कर रहे हैं, अपने मुकेश तिवारी जी हैं, जो आपने मूवी देखी होंगी गंगाजल, चाइना गेट और गोलमाल, वो जो हैं मुकेश तिवारी जी। सुरेंद्र पाल जी हैं, डायना खान हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली किया है घायल वंस अपॉन गेन में सनी देओल जी की बेटी का कैरेक्टर, तो उसमें बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ वर्क करके मुझे बहुत प्राउड फील हुआ और मैं चाहता हूँ कि और अच्छा काम करूँ। और अभी मैंने संजू बाबा के मूवी में वर्क किया है जिसमें मैं चंबल का विलन बनाऊँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो पूछा कि आप हमें कब देखेंगे, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने आने वाला हूँ, जो कि मेरी अभी मुझे मेरे लिए एक और अच्छा मौका आया है। जो मैंने जिस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, मेरी पहली मूवी थी ब्लड रिलेशन, आज वो बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है ब्लड रिलेशन 2, तो मेरे लिए खुशी की बात है। और मेरे जो डायरेक्टर हैं संजीव कुमार राजपूत जी और उनके प्रोड्यूसर हैं केपी सिंह जी, तो मैं उन लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे दोबारा मौका दिया। उसमें मेरा इंस्पेक्टर का कैरेक्टर रहेगा और अपनी ब्लैक इश्क में मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर का है, और तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी आपकी आने वाली फिल्मों के लिए आपको। थैंक यू। टीवी 30 के माध्यम से आप जो युवा जो अभी इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आजकल सबके दिल में रहता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से वर्क करूँ, ग्लैमरस दुनिया में जाऊँ और नाम करूँ, पैसा कमाऊँ, सबका रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत की ज़रूरत रहती है। स्ट्रगल तो बनाया जाता है, स्ट्रगल लाइफ में नहीं आता, उसको हम लोग लेके आते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अपने क्षेत्र से कोई भी अगर इस लाइन में जाना चाहता हो तो प्लीज़ वो इतनी मेहनत करें कि उसको बॉम्बे में जाके धक्के ना खाना पड़े, वो जाके वर्क करें। मुझे बहुत खुशी होगी और मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र से बहुत अच्छा नाम हो सबका जाए, तो बेस्ट ऑफ लक। अनिल जी, एक और बड़ी बात जहन में आती है कि जे इस इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद सबका लफेफेयर स्टार्ट हो जाता है, क्या आपका भी कोई लफेफेयर चल रहा है? जी, ऐसा कुछ नहीं है, लव अफेयर चलते हैं जो बंदे सिंगल रहते हैं। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे पास बहुत प्यारी बीवी है और मेरे पास ट्विंस बीवी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस लाइन में जाने के बाद ही लव होता है। लव तो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, अपना शादी है उसके साथ करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। देखने में आया है कि आपने कई प्रसिद्ध टीवी सीरियल जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, जिंदगी की महक, NDTV के परमावतार श्री कृष्णा और ABP न्यूज के सास बहू और बेटी के एपिसोड में भी आप देखे जा चुके हैं। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे अनिल जी कि आप अभी किन सीरियलों में और मूवीज में कभी काम कर रहे हैं? जी, आप बिल्कुल, आपने जो बोला मैं सीरियल्स में काम कर रहा हूँ, मुझे भी खुशी होती है सीरियल्स में काम करने के लिए, और मैं बहुत अच्छे एक्टरों के साथ काम कर चुका हूँ जो कि बहुत बड़े स्तर पर वर्क कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उनके साथ काम करने में। मुझे जब वर्क मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे और अच्छे आर्टिस्ट के साथ वर्क मिले। जो मैंने अभी CID, क्राइम पेट्रोल, मुझे ये बहुत अच्छे सीरियल लगते हैं क्योंकि एपिसोड वाइज हैं, इसमें सब दिखाया जाता है, रियल स्टोरीज होती हैं जो आजकल चल रहा है, तो मोस्टली मैं इनको करता रहता हूँ। अभी मेरा रिसेंटली चल रहा है, अभी स्टार प्लस का लव के इंतज़ार में चल रहा है, और मूवी है मेरी ब्लैक इश्क,
जो बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट होने वाली है उसकी, एक शेड्यूल ख़त्म हो चुका है अभी, सेकंड है, उसके डायरेक्टर हैं अपने संजीव कुमार राजपूत जी, और वो कोहिनूर अरुण प्रोडक्शन के अंडर में बनाई जा रही है। जैसा कि अनिल जी आपने बताया कि आप कई सीरियलों में और मूवीज़ में काम कर रहे हैं, तो इन मूवी और सीरियलों में आपका रोल क्या है? जी, मैंने जिंदगी महक में मेरा महक जो है उनकी मौसी के बेटे का कैरेक्टर है, जो कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसमें प्ले करने को मिला मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे जो अपने महक सीरियल के टोटल आर्टिस्ट थे, पूरी टीम मेंबर ऑल जो प्रोडक्शन से लेके क्रूमैन टोटल बहुत अच्छे थे, तो उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें मेरा महक के मौसी के बेटे का कैरेक्टर है, जो आगे भी मुझे आप देखोगे उस सीरियल में। और आपने जो बोला कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मैं मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। जैसा कि अनिल जी आप अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग एक्टरों के साथ काम करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि अभी किसी एक्टर से आपकी किसी बात में नोक झोंक या किसी से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, ऐसा किसी के साथ रहता है? हाँ, वो तो हो जाता है जब हम लोग एक साथ फैमिली मेम्बर की तरह वर्क करते हैं, तो ऐसा रहता है कि कोई बंदा हम लोगों को अच्छा लगता है कि भाई इसके इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा एक्टर है, और क्या है कि मतलब उसकी क्वालिटीज़ देखते हैं, तो उससे बहुत अच्छा हमारा रिलेशन बन जाता है और अच्छा भी लगता है। नोक झोंक को तो चलता रहता है कि अपना कोई भी सीन्स को लेके या एनीबॉडी, वो चलता रहता है, उसको कोई माइंड नहीं लेते हम लोग। धन्यवाद अनिल जी, TV30 के प्रोग्राम आमने सामने आने के लिए। थैंक यू जी।